दीगर शोभा है जिंदगी की तरह अफरात ज़र के असरात कुतुब पर भी नुमाया नजर आते हैं। दरसी कुतुब हों या मालूमाती, सबकी कीमतों में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से तलबा और वालदैन दोनों ही परेशान हैं। बुक्स जो है ना वो सस्ती होनी चाहिए कि आप जो है ना कोई भी स्टूडेंट हो ना वो अफोर्ड कर सके। बुक्स जो है वो सस्ती होनी चाहिए ताकि हर कोई अफोर्ड करे और पढ़ सके। जो चीज़ 400 की आ जाती थी वो 1000 रुपये की हुई है। इतनी महंगाई है, ये बच्चों के गाइड वगैरह नहीं है, ये कॉपियाँ नहीं है, तो मत मरी गई। दुकानदार कहते हैं कागज की कीमत 170 रुपए से बढ़कर 220 रुपए किलो हो गई है, जिसकी वजह से किताब महंगी हुई। हुकूमत को पेपर मिल्स की मनमानियों का नोटिस लेना चाहिए। गवर्नमेंट की किताबें हैं वो 2-2, 2.5-3 रुपए पे चली गई है, और जो प्राइवेट है उनका तो खुदा हाफिज़ है। अचानक कल 20 रुपए पेट्रोल सुबह बढ़ा है, कागज वालों ने 15 रुपए केजी बढ़ा दिया है। उर्दू बाजार में 30 रुपए में बिकने वाली नोटबुक अब 50 रुपए, जबकि 800 वाली किताब 1400 रुपए की हो गई है। किताबों का कारोबार करने वाले कहते हैं कि आने वाले दिनों में बुक्स की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है, क्योंकि पेपर मिल्स ने उन्हें पेपर महंगा करने का इंदिया दे दिया है। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ सईद बलोच, आज न्यूज़ लाहौर।